पीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग, और आज पूरे दिन हम लोग करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण कंटेंट को समझने और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उनको रिवीजन करने और याद करने का प्रयास। जब हम लोग साइंस का बात करते हैं तो हम लोग जनरली जो प्रश्न सोल्व करते हो तो करते ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि विज्ञान से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं एक या दो, और प्रायः हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं। तो ये पहला वीडियो कृषि विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये उसके पुष्प क्रम को खाया जाता है। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो टमाटर का रंग जो लाल होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है टमाटर के अंदर पाया जाने वाला लाइकोपिन। 6-7 मिनट में लगभग हम लोग 35+ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। जलोढ़ मिट्टी जब पुरानी हो जाती है तो इसे बांगर नाम से जानते हैं। गेहूं का काला टीक रोग ये किसके कारण होता है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिस। सही उत्तर होगा फफूंदी के कारण गेहूं का काला टीक रोग होता है। मिर्च में जो एक चिल्ली ग्राइट होता है, चरचराहट जो होता है, ये किस कारण होता है? तो इसका कारण होता है कैप्सेसिन। नाबार्ड जो है ये कृषि को डेवलप्ड करने में मदद करती है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, और नाबार्ड का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति की है? चावल, गेहूं, दलहन या जूट? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक प्रगति की। हरित क्रांति में हम लोगों ने पढ़ा भी है गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई। भारत में जो हरित क्रांति है इनके जन्मदाता कौन है? तो ये है M.S. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है ये। केसर का सबसे अधिक उत्पादन उत्तराखंड में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है BPSC के द्वारा। जम्मू कश्मीर का जो करेवा क्षेत्र है ये केसर की खेती के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो कपास का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित है मुंबई में। कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र मुंबई में स्थित है। धान की एक प्रसिद्ध बीमारी है खैरा, ये किस कारण से होती है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या जस्ता की कमी के कारण? तो पहला तो ये है कि खैरा रोग जो है वो धान के में होता है और ये जस्ता की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? जौ, मसूर, सरसों या बाजरा? तो खरीफ फसल की बात होगी, बाजरा हो जाएगा खरीफ फसल। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो ये गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के दौरान। हम लोगों ने इकोनॉमी वाले वीडियो में कवर किया था हरित क्रांति को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? मक्का, सोयाबीन, अरहर या मूंगफली? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सोयाबीन में पाया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा जो बोरलॉग पुरस्कार है ये कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा? तो गेहूं हो जाएगा जो रबी की फसल है। कॉफ़ी में कौन सा अल्केलाइट पाया जाता है? निकोटीन, थीन, कैफीन या एसिटिन? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो इसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता काली मिट्टी में नहीं पड़ती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, एसिटिक, टार्टरिक या लैक्टिक अम्ल? तो अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? चावल, गेहूं, बाजरा या कपास?
तो कॉटन या कपास जो है ये नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। किस में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंवला, अमरूद, नींबू या अंगूर? सही हो जाएगा उत्तर आंवला, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। प्रश्न संख्या 23, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी? काली, लाल, लैटराइट या जलोढ़ मिट्टी? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मेडिसिनल प्लांट है या औषधीय पौधा है? कपास, नीम, जौ या साल? तो इसमें नीम का जो पौधा है ये औषधीय पौधा है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या तमिलनाडु? तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, भारत में धान की सबसे अधिक खेती यहाँ होती है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन, थीन, कैफीन या प्यूरिन? सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, चीन, मैक्सिको या USA, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन की उत्पत्ति हुई चीन में। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, क्लिनोस्टेट या ऑक्सीनोमीटर? तो पौधे की जो वृद्धि मापी जाती है वो ऑक्सीनोमीटर से मापी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI किस वर्ष स्थापित हुआ? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस साल स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ये जो IARI है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये 1929 में स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, ज्वार या चना? तो इसमें धान खरीफ की फसल नहीं है। वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून, पंतनगर, लखनऊ या नैनीताल? सही उत्तर हो जाएगा वन शोध संस्थान देहरादून में है। भारत में सिंचाई सबसे अधिक किस विधि से होती है? नहर, कुआं, नलकूप, तालाब या ड्रिप? तो देखिए भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। बिहार के लिए भी यही सही होगा, बिहार के लिए भी कुआं या नलकूप से ही सबसे अधिक सिंचाई होती है। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो यह अक्टूबर नवंबर का मौसम होता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो रबड़ का उत्पादन होता है वो केरल में होता है। अल्फांसो प्रजाति किस फसल से संबंधित है? अल्फांसो, आपने बहुत बार ऐड में भी नाम सुना होगा, अल्फांसो आम, यानी अल्फांसो प्रजाति जो है वो आम से संबंधित है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया या एमाइट? तो पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, इस समय जो केमिकल होता है वो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960, 61, 64, 65, 67, 68 या 68, 69? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी 1964-65 में। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? 30, 42, 50 या 60? तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की प्रतिशतता होती है वो 42% होती है। तो ये आज था हमारे लिए, हालांकि दिन में और भी वीडियो हम लोग लेकर आ रहे हैं, पूरे दिन साइंस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद करेंगे और जटिल विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।